खबर रीवा जिले से है, जहां पंचायती राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां वास्तविक हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं कर्मचारी अपने परिवार और चहेतों को लाभ दिलाने के लिए सभी नियम कानून को दरकिनार कर देते हैं। और घूसखोरी तो इतनी बढ़ गई है कि शासन की हर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर घूस ली जा रही है। ताजा मामला ग्राम पंचायत नवस्ता का है, जहां सरपंच अनीस सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में तथा शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं में अपने पिता अशोक सिंह के माध्यम से दलाली तथा व्यापक स्तर पर लोगों को गुमराह कराया जा रहा है। वहीं सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध ग्रामीणों को भड़काना, विवाद कराना, सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें जैसे नियम विरुद्ध कार्य कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि अशोक सिंह अपने सरपंच पुत्र की आड़ में ग्राम पंचायत के सभी कार्यों में हस्तक्षेप करके कार्य को प्रभावित करते हैं और ग्रामीण लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसों की मांग भी करते हैं। ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच एवं सरपंच पिता द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर ग्रामवासियों का क्या कहना है। बताइए भैया, कहां से आए हैं, क्या शिकायत लेके आज कलेक्ट्रेट कार्यालय? हम नवस्था से आए हैं, ग्राम पंचायत नवस्था से, संतोष पांडे, और कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं अपने सरपंच के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत अनियमितताएँ हैं। कुछ भी काम यदि सेक्रेटरी और रोजगार सहायिका इनके सहयोग से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मनमाना तरीके से सरपंच के पिता, सरपंच का भी रोल नहीं है उसमें, सरपंच का पिता अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, और जो कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, जिला बाजार का केस चल रहा है उनके ऊपर, कई मुकदमे हैं अशोक सिंह के, सरपंच पिता, जो सरपंच के पिता हैं उनके खिलाफ, और पंचायत का पूरा काम वही कर रहे हैं, चाहे ठेका हो वो भी कर रहे हैं, जो मनरेगा का काम है तो उसमें लेबर मजदूर से काम होना चाहिए, पर लेबर मजदूर से पैसा निकलवा करके अपने मशीनरी का, खुद की मशीनरी जो उपयोग कर रहे हैं और मशीनरी से काम ले रहे हैं, और लेबर से अंगूठा लगवा करके लेबर को पेमेंट कर रहे हैं। आप कलेक्टर साहब की क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राम अनुज पांडे, नवस्था। क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत ये सरपंच के खिलाफ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि वो सरपंच का फादर जो है तो वो काम करता है, सरपंच कम काम करता है। इसकी शिकायत और पहले कहीं आपकी? हाँ, किए थे, पहले भी शिकायत किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन में जिक्र किए हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड है उसके, ये हाँ आपराधिक रिकॉर्ड है उसके। कब की, क्या घटना है, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ, जिला बदर है और वो है, आयोग घोषित करने की आप आवेदन में जिक्र किए हैं। हाँ जी, कहे क्या उसमें कमी क्या है, क्या कमी है उसमें, इसलिए किए हैं, जो कमी गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, कोई काम सही नहीं हो रहा है। किसी का तो और कहीं भी किया, सरपंच पुतला जी बैठा है और अपराधी ही काम कर रहा है। हाँ, अपराधी पंचायत चला रहा है, वो घर पेमेंट हो रहा है पंचायत अकाउंट से और घर में काम करवा रहा है।